दोस्तों, मिथुन चक्रवर्ती और गोविंदा, ये दो बॉलीवुड के एक ऐसे अभिनेता हैं जिनके डांसिंग के लोग बहुत दीवाने थे। 1982 में डिस्को डांसर के नाम से प्रसिद्ध हुए मिथुन चक्रवर्ती को तो आज सब लोग जानते हैं कि वो एक बहुत बड़े डिस्को डांसर हैं, लेकिन गोविंदा का भी नाम पीछे नहीं है। गोविंदा ने भी 80 के दशक से ही स्टार्टिंग की थी डांसिंग से और बहुत समय तक मिथुन चक्रवर्ती को टक्कर देते रहे। लेकिन इस टक्कर में क्या मिथुन चक्रवर्ती को गोविंदा पीछे कर पाए? तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताता हूँ कि आखिर उस समय और आज के समय में भी जनता सबसे ज्यादा किसके डांस को पसंद करते हैं। मिथुन चक्रवर्ती ने अपने करियर की शुरुआत की 1976 से। इतनी बेहतरीन एक्टिंग की मिथुन चक्रवर्ती ने कि इन्हें लोग उनकी एक्टिंग के लिए खास कर जानने लगे और जब 1982 में डिस्को डांसर आए तो ये वर्ल्ड में छा गए। गोविंदा ने अपने फिल्म करियर की शुरुआत की थी फिल्म इल्जाम से और यह फिल्म भी गोविंदा के लिए काफी हिट साबित हुई थी और इस फिल्म के लिए गोविंदा की सराहना भी खूब हुई थी। वहीं उस समय मिथुन चक्रवर्ती और गोविंदा के डांस के मूवीज बहुत आने लगे और दोनों की फिल्मों में डांस जरूर हुआ करते थे। लेकिन जब दशक 90 का आया तब मालूम पड़ा कि आखिर डांस के मामले में नंबर वन कौन है। सब ने कहा अगर डांस के मामले में कोई बॉलीवुड में है तो वो मिथुन चक्रवर्ती हैं। मिथुन चक्रवर्ती पहले अभिनेता बने जिन्होंने डिस्को डांस से बॉलीवुड में एक अपनी एक खास पहचान बनाई और इसके पहले कोई भी डांस के मामले में नहीं था। वहीं अगर गोविंदा की बात की जाए तो गोविंदा भी डांस में कम नहीं थे। गोविंदा ने मिथुन चक्रवर्ती को कई जगहों पर टक्कर दी लेकिन असफल रहे। लेकिन जब दशक 90 का आया तब गोविंदा ने अपने डांस स्टाइल को बदल दिया और वो डिस्को डांस से एक स्ट्रीट डांसर बन गए। उनके स्टेप और उनके एक्सप्रेशन लोगों ने खूब पसंद किए, साथ ही उनकी एक्टिंग को भी लोगों ने खूब पसंद किया। वहीं मिथुन चक्रवर्ती ने भी अपने डांस को छोड़ एक्शन पे अपना कदम जमा लिया और मिथुन चक्रवर्ती गोविंदा यहाँ पर अलग अलग रूप में स्थापित हो गए। जहाँ मिथुन चक्रवर्ती की एक्शन मूवी आने लगी तो वहीं गोविंदा की कॉमेडी और स्ट्रीट डांस एक्सप्रेशन वाली मूवीज आने लगी जिन्हें लोगों ने खूब पसंद किया। लेकिन अगर 80 की बात की जाए तो 80 में गोविंदा ने काफी हद तक दादा को टक्कर देने की कोशिश की थी लेकिन असफल रहे, जिसके बाद उन्होंने अपना रास्ता ही बदल लिया। तो गोविंदा और मिथुन चक्रवर्ती अपनी अपनी जगह दोनों ने ही अपनी जगह बेहतरीन डांस किया है। जहाँ गोविंदा स्ट्रीट डांसर बने तो वहीं मिथुन चक्रवर्ती को डिस्को डांसर कहा गया। गोविंदा कॉमेडी किंग बने तो वहीं मिथुन चक्रवर्ती फाइट और एक्शन के बेताज बादशाह बने। इन दोनों अभिनेताओं के बारे में आपकी क्या राय है कॉमेंट में आप जरूर बताइएगा। फिलहाल गोविंदा और मिथुन चक्रवर्ती दोनों ही एक बेहतरीन एक्टर हैं।